हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है क्वेश्चन ठोस व्यर्थ समापन की कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, यानी नगर के ठोस अवशेष को निपटान हेतु विभिन्न विधियों एवं उनके फलस्वरूप संभव वातावरणीय संघातों के विवेचन यानी डिस्पोजल मैथड्स। दोस्तों, ठोस व्यर्थ एवं कचरे को के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका थोड़े समय में अपघटन होने लगता है जिसके कारण दुर्गंध पैदा होती है। अतः ठोस व्यर्थ एवं कचरे का समापन स्थल तक यथा समय ले जाना चाहिए, अन्यथा इस व्यर्थ से उत्पन्न दुर्गंध जन स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी दूषित करती है। अतः इसे ठोस व्यर्थ की बड़ी सावधानी पूर्वक से समापन करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट के समापन की निम्न विधियाँ हैं, पहला जलाना यानी इंक्रीनेशन, दूसरा पीसना ग्राइंडिंग या पल्वराइजिंग, तीसरा है स्वच्छ भूमि रख भराव यानी सैनिटरी लैंडफिल या कंट्रोल टिपिंग, ढेर लगाना यानी डंपिंग, भ्रंशोद्वार यानी सेल्वेजिंग, कंपोस्ट बनाना यानी कंपोस्टिंग, न्यूनीकरण यानी रिडक्शन और समुद्र में समापन यानी डिस्पोजल इंटू सी। पहले बात करते हैं इंक्रीनेशन की यानी जलाना। ठोस कार्य अपशिष्ट को जलाकर भी समाप्त किया जाता है। इस विधि में ठोस अपशिष्ट भस्मक यानी इंक्रीनेटर में चलाया जाता है। इसमें एक भट्टी होती है तथा इसके बीच एक जाली तथा ऊपरी सिरे पर एक चमनी बनी होती है। कूड़ा भरने के भरण द्वार यानी फीड डोर तथा राख निकालने के लिए निकास द्वार यानी एस डोर बनाया जाता है। इस विधि को ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ज़्यादा अपनाया जाता है क्योंकि इन शहरों में ठोस अपशिष्ट के समापन के लिए उपयुक्त स्थल को अत्यंत कमी रहती है और कूड़ा लाने के लिए आने में भी गंदगी एवं रोगाणुओं के फैलने का डर रहता है। ठोस अपशिष्ट को जलाने से कीड़े मकौड़े एवं रोगाणु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तथा इसका राख का आयतन भी बहुत कम होता है जिससे इसके समापन में अधिक व्यय नहीं आता। जलाने की क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का प्रयोग हम बॉयलर गर्म करने में आदि में किया जा सकता है। जलाने की प्रक्रिया में से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड H2O N2 व SO2 आदि अन्य अवयवों की वृद्धि होती है तथा इसके आसपास के वातावरण के तापमान में वृद्धि हो जाती है, परंतु इसकी मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है कि इसके परिणाम भयंकर हो। इसके अध जले कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि इन भस्मक में तापमान 1400 डिग्री फारेनहाइट से 1800 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है। इस विधि के प्रयोग से ठोस अपशिष्ट की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है और भ्रमकों की पहली लागत काफ़ी अधिक होती है तथा इसकी परिचालन लागत भी काफ़ी अधिक होती है। यदि वायु प्रदूषण कम करने के लिए चिमनी के मुख पर आदर्श स्क्रबर या स्थित वैद्युत अवक्षेपक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दिया जाता है, प्रदूषण काफ़ी हद तक कम होता है। उस भस्मक ऊष्मा का प्रयोग अन्य किसी कार्य करने में हम लागत की प्राप्ति भी कर लेता है। दूसरा है पीसना है ग्राइंडिंग या पल्वराइजिंग। इस विधि में सूखा कचरा महीन पीस लिया जाता है, जैसे थर्मोसेट प्लास्टिक के टुकड़े अथवा छोटे छोटे सामान भी जैसे बिजली के स्विच, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर आदि के कैबिनेट बटन तथा हेयर क्लिप्स आदि को ठोस व्यर्थ के साथ ही रहने दिया जाता है ताकि इनके ठोस व्यर्थ के साथ पीसकर इनका अंतिम निपटारा किया जा सके। इस महीन पाउडर में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, मूल रूप से सूखा कचरा ही महीन पाउडर बन जाता है। इस पाउडर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है, परंतु इस खाद में निम्न श्रेणी की प्राप्ति होती है। इसकी मांग ना होने पर वह भय पर वह या विधि मितवई नहीं होता है। तीसरा है स्वच्छ भूमि भराव यानी स्टेशनरी लैंडफिल या कंट्रोल टिपिंग। यह विधि उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहां भूमि सुधार हेतु पर्याप्त जल पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो। कूड़ा करकट गहरे गड्ढों वाले स्थान पर 1 से 2 मीटर की मोटाई में अच्छी तरह फैला दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले नीचा मोटा कूड़ा और ऊपर महीन कूड़ा बिछाना चाहिए। इसके बाद 15 सेंटीमीटर की मोटी मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। फिर मिट्टी की परत की कुटाई कर देने चाहिए जिससे कि चूहे व दूसरे जानवरों द्वारा इसे खोदा ना जा सके। मिट्टी की परत से नीचे अपशिष्ट को अवायु जीवी अपघटन होता है और यह अपघटन लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। इस कार्य को पूरा करने के बाद ऊपर की मिट्टी लगभग 30 सेंटीमीटर तक धस जाती है और इसके बाद स्थल पुनर्विकास के लिए
उपलब्ध हो जाता है। ऐसी विधि में सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि चूहों द्वारा खोद देने पर तथा धूप में दरार पड़ जाने से गैस एवं वाष्पशील पदार्थों का रिसाव होने लगता है जो कि मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डंपिंग या ढेर लगाना। भारत में यह विधि बहुत प्रचलित है क्योंकि यह विधि सबसे आसान और कम खर्चीली है। कस्बों और नगरों के आसपास यहाँ भी नीची भूमि या बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, वहीं पर कूड़ा करकट ले जाकर ढेर लगा देते हैं, जिसकी निचली भूमि में वर्षा जल के इकट्ठे होने पर यह सड़ व गलकर ठोस हो जाता है, परंतु इसके खुला रहने के कारण अवास्थ्य कर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। मक्खी मच्छर एवं कीड़े मकौड़े फैलते हैं जिससे बीमारियां फैल जाती हैं जैसे हैजा मलेरिया आदि। कागज़ व प्लास्टिक की थैलियां या हल्की चीज़ें हवा के साथ उड़कर इधर उधर बिखर जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्वेजिंग या भ्रंशों द्वार। ठोस अवशिष्ट में अनेक पदार्थ होते हैं जैसे धातु के टुकड़े, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, भोजन कार्य, कृषि कार्य आदि। एक स्थान से प्राप्त ठोस अवशिष्ट को दूसरी जगह लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। ताप विद्युत गृह से निकली धूल फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट ईंटें आदि बनाने में किया जा सकता है। धातु के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग करके इन्हें गलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। कृषि व्यर्थ जैसे गन्ने के छिलके से कागज के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, अन्यथा इसको जलाकर उष्मा प्राप्त की जा सकती है। कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर इसमें खाद बनाई जाती है। इसी तरह जहां तक संभव हो ठोस अवशिष्ट से लाभदायक वस्तुओं को अलग कर लेना चाहिए। इससे ठोस अवशिष्ट की मात्रा तो कम हो ही जाती है, साथ ही इससे मूल्य प्राप्त भी किया जा सकता है। कूड़ा करकट के ढेरों से कई गरीब बच्चों को ऐसे पदार्थ एकत्र करते हुए देखा जा सकता है, परंतु यह कार्य उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यह विधि औचित्यपूर्ण नहीं है। छठा, कंपोस्ट बनाना। कंपोस्टिंग कूड़ा करकट में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को जैव रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटन करने में ह्यूमस बनता है, जिसे कंपोस्ट खाद कहते हैं। उसमें उर्वरक शक्ति बहुत अधिक होती है। ठोस अवशिष्ट के संपादन की यह एक अच्छी विधि होती है। इस विधि में व्यर्थ गैस पदार्थ अत्यंत उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह की खाद में लगभग 0.3% नाइट्रोजन, 0.5% से 0.8% फॉस्फोरस एवं 0.6% से 0.9% पोटेशियम पाया जाता है। ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक तत्व है। कंपोस्ट खाद बनाने की कई विधियां हमारे भारत में प्रचलित हैं। इनमें से प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं: बेंगलोर विधि व आवायु जीवी विधि, इंदौर विधि या आवा जैव विधि एंड कंपोस्ट संयंत्र। पहले बात करते हैं बेंगलोर विधि या आवा जीवी विधि, बेंगलोर मेथड या एनोरबिक मेथड। बेंगलोर विधि कूड़ा करकट से प्लास्टिक, चमड़ा व रबड़ आदि को हाथ से अलग कर दिया जाता है, फिर इसे गहरे गड्ढे या खाइयों में भर दिया जाता है। इसके अंदर पर्याप्त कार्बनिक पदार्थ एवं नमी होनी चाहिए। इसके लिए इसमें सूखा कचरा एवं मृदा अवशिष्ट तहों में अथवा भरकर इसे गड्ढों में अवायु जीवी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के अवायु जीवाणु 4 से 6 महीने तक इस जैविक क्रिया के बाद कंपोस्ट खाद में बदल देते हैं, फिर इसे खोद कर गड्ढे से निकाल लिया जाता है और खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक आसान विधि है। इसमें विशेष तकनीक ही निरीक्षण या मूल्यों की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह की विधि में ठोस अवशिष्ट में पाए जाने वाले मक्खियों एवं मच्छरों के लार्वा एवं रोगाणुओं को पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। गड्ढों के मध्य में जैव क्रियाओं के उत्पन्न होने से ऊष्मा के कारण ताप इतना बढ़ जाता है कि संपूर्ण लार्वा एवं रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ऊपरी भाग में ऐसा नहीं होता है और कुछ मात्रा में रोगाणु शेष रह जाते हैं जिसमें मीथेन गैस बनती है। इंदौर विधि या आवायुजीव विधि, इंदौर मेथड या एरोबिक मेथड। इंदौर विधि बेंगलोर विधि की तरह होती है। अंतर के लिए इतना होता है कि इस विधि में गड्ढे को थोड़ा खाली रखा जाता है और इसे मिट्टी से ढककर नहीं जाता है। एक सप्ताह बाद गड्ढों का कूड़ा उलट पलट कर दिया जाता है जिससे सारा अवशिष्ट भली प्रकार से वायु के संपर्क में आ सके, यानी वायुजीवी विघटन में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी व नाइट्रोजन गैस बनती है। इसकी निकास की उचित व्यवस्था करके इसे भी काम में लाया जा सकता है। इस विधि को 15 से 20 दिन में ही कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। कंपोस्ट प्लांट।
इस विधि में सूखा कचरा एक बेल्ट कन्वेयर से होकर गुजरता है, जो शक्तिशाली चुंबक द्वारा इसमें से लौह पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि को हाथ या यांत्रिक छनकों द्वारा अलग कर देते हैं। फिर इसके बाद शेष कचरे को हैमर या मिल या चूर्ण कारक या पल्वराइजर में महीन पीस लिया जाता है। फिर इसे बैलिस्टिक प्रतिकारी में अति महीन कर लिया जाता है। अब इसमें सूखा अथवा गीला ग्लूज मिला दिया जाता है। इसके उपरांत पांचवें ताप एवं नमी पर इसमें झाग या फर्मेंटेशन उत्पन्न कराए जाते हैं। फिर 7 दिन बाद इसमें वायुजीवी परिस्थिति उत्पन्न करा दी जाती है। 15 से 20 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाती है और अंत में इसे छानकर बोरों में भरकर बाजार में बिक्री के रूप में भेज दिया जाता है। इस विधि में प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन यह कम स्थान घेरता है। इसकी खाद भी उच्च श्रेणी की होती है। इस खाद में कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, लोहा, बोरान, मैग्नीशियम, मैग्नीज एवं मॉलिब्डेनम आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के रोगाणु नहीं होते हैं। पहला डोनू संयंत्र, टेलीमेक संयंत्र, बुलहर संयंत्र और न्यूशा वसल संयंत्र। न्यूनीकरण, दोस्तों रिडक्शन, इस विधि में ठोस अवशिष्ट को उच्च दाब वाले क्रशरों से निचोड़ा जाता है, जिसमें इसमें ग्रीस निकलती है। बाकी बचा हुआ ठोस पदार्थ खाद के रूप में उपयोग लाया जाता है। इस ग्रीस का उपयोग ग्लिसरीन एवं मोमबत्ती बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आता है समुद्र में समापन, डिस्पोजल इंटू सी। इस विधि को समुद्र के किनारे बसे शहरों में ही अपनाया जाता रहा। कूड़ा करकट समुद्र के किनारे दूर ले जाकर डाल दिया जाता है, जिसके निस्तारण के लिए समुद्र का प्रयोग एवं प्राकृतिक सिंक के रूप में निरंतर हो रहा है, जिससे समुद्री इकोसिस्टम विशेष रूप से महाद्वीपीय चबूतरों एवं नदियों के मुहाने में प्रभावित हो रहे हैं। अतः ठोस व्यर्थ के निपटारे हेतु अन्य वैज्ञानिक विकल्प खोजने में प्रयासरत होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।